वालेकुम, वेलकम टू राजपूत्स डेली कुकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 किलो चिकन है और 2 प्याज हैं, बड़ी इस तरह से बारीक लच्छेदार सी काट लें, और 2 टमाटर हैं उनका पेस्ट बना लिया है। इसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्ची हैं और खुश्क धनिया है, काली मिर्चें हैं, रेड मिर्चें इसमें यूज़ नहीं होंगी, गरम मसाला है इसके अलावा, जिसमें यह साबत ही है सारा, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, मिर्चें हैं, ज़ीरा है, और ये जो नमक है ये ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि आपको पता है चावलों में ज़्यादा यूज़ होता है, तो तकरीबन 3 गिलास जो है, 4 गिलास है, 4 गिलास हमारे चावल हैं और 4 ही चम्मच नमक डाला है मैंने। तो अब ठीक है, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं जी। तो ऑयल शामिल कर लिया है मैंने, तो पतीली में डाल लिया है और अब इसमें प्याज शामिल करूँगी। प्याज हमारे जो है वो ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें जो रोज़ाना मैं गलती करती हूँ वो आज फिर कर दी है। हर रोज़ मैं लहसुन ऑलमोस्ट तकरीबन रोज़ाना ही लहसुन बताना भूल जाती हूँ, तो वो 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं सबकी मैंने देखी, नया नया काम है ना, तो सबकी मैंने देखी हैं शुरू की वीडियोज़ में, सबके काफ़ी ब्लंडर में, कोई भी यूट्यूबर पहले दिन से इतना बड़ा नहीं होता, कोई भी यूट्यूबर बड़ा नहीं है, बड़े व्यूअर्स हैं, बड़े सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग देखते हैं, आप लोग हमारी हिम्मत बनते हैं, अगर आप लोग ना होते तो आज कोई भी इतना बड़ा कोई यूट्यूबर, कोई इतना बड़ा स्टार ना बन के सामने आता, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज का ये जो चिकन पुलाव है मैं अपने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के नाम करती हूँ। सबसे पहले हरी मिर्च शामिल करूँगी, नमक, धनिया, काली मिर्चें और गरम मसाला, इलायची को थोड़ा सा तोड़ के डाल देती हूँ और ये बस। अब इसमें टमाटर शामिल करूंगी मैं, थोड़ा सा इसको भूनना है, इसके बाद चिकन शामिल करना है। मैंने मसाला और अब इसमें चिकन शामिल कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए ये पानी छोड़ने का वेट करेंगे, फिर अच्छे से भूनेंगे। ये देखें चिकन ने पानी छोड़ दिया, अब इसको भूनना ही रह गया, भून देगा हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। 4 गिलास हमारे चावल हैं और 1.5 गुना पानी मैं यूज़ करती हूँ, मतलब 6 गिलास पानी इसमें जाएगा। जब तक इसका कलर रेड हो जाए। चिकन हमने बहुत अच्छे से भून लिया, अब इसमें पानी शामिल करूंगी मैं। बताया मैंने पहले भी आपको कि 4 गिलास चावल हैं
और उसमें 6 गिलास में पानी यूज़ कर रही हूँ। अब इसके उबलने तक इसका वेट करेंगे, ढाँप के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर इसमें चावल शामिल करेंगे जी। तो ये देखें उबल चुका है हमारा पानी जो डाला था हमने चिकन में। अब इसमें चावल शामिल करने का टाइम आ गया। ये चावल मैंने 1 किलो भिगो दिए थे, अब इनका पानी छान लिया और अब इसको शामिल कर रही हूँ। मिक्स अच्छे से करना, नमक यहाँ पे चेक कर लेते हैं जी। बिल्कुल ठीक है नमक, थोड़ा थोड़ा मतलब तेज आ रहा हो ना इस टाइम, तो इसका मतलब है कि चावल जब पानी खींच लेंगे तो नॉर्मल होगा। अब वेट करते हैं चावल गलने का जी। तो चेक करते हैं आप कितना फर्क है हमारे चावलों में। माशाल्लाह देखे कितने प्यारे निकले हुए चावल। चावल हमेशा जो अच्छी पुरानी बासमती के होते हैं वो अच्छे रहते हैं। बहुत प्यारी महक आ रही है। और पुलाव में कभी भी लाल मिर्च ना डालें। कुछ लोगों को मैंने देखा है, मतलब मेरा तो जो तजर्बा है वो तो घरों में ही देखने का है ना, तो कुछ लोग डाल देते हैं एक से बस दो एक मिनट यहाँ ही बस आपसे बातें करते हुए मैं इसको दम के लगाऊंगी। थोड़ा सा पानी ज़्यादा है अभी, तो चूल्हा तेज करके ज़रा सा पानी ये खुश करती हूँ मैं। तो ये है कि लाल मिर्च से ना बिल्कुल वही आप जो हरी मिर्च है उसको कूट के डाल दें, काली मिर्च ज़्यादा कर दें, हल्दी बिल्कुल नहीं डालनी होती, बिल्कुल कभी भी नहीं डालनी इसमें पुलाव में। मैं तो बिरयानी में भी नहीं डालती, मैं तो कढ़ी में जो पकौड़ा कढ़ी होती है उसमें भी मैं नहीं डालती, उससे भी उसका पीला पीला कलर बहुत बुरा लगता है। हाँ तड़के में डाल देती हूँ उसमें, चलो क्योंकि तरी जो होती है उसका अलहदा, मेरी जो है कढ़ी की रेसिपी वो आप ज़रूर देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, उसमें आपको मैंने बताया भी था, मेंशन भी किया था कि बिल्कुल हल्दी उसमें नहीं डालते, वो येलो सा उसका कलर मुझे बिल्कुल पसंद है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो ज़रूर देखिएगा आप, बहुत अच्छी कढ़ी की रेसिपी बनाई थी मैंने। और ये देखें पानी खुश्क हो गया, अब ये दम के लिए बिल्कुल तैयार है और 5 से 7 मिनट का ही दम होगा, इससे ज़्यादा करें। अगर पानी ज़्यादा होता तो मैं कपड़े के साथ देती, अब इसको ऐसे ही ढक्कन के साथ दे दूँगी। पानी ज़्यादा हो तो कपड़े के साथ दे दें, खुश कपड़े के साथ। लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि आपने पानी बहुत कम डाला था तो दोबारा पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आँच बिल्कुल हल्की कर दी है मैंने, दोबारा पानी कभी ना डालें चावलों में दम देने से पहले। ये करें आप कि कपड़ा भिगो के उससे दम दे दें, उसकी नमी से चावल गल जाएंगे। ठीक है फिर आप वेट करते हैं 2-5-6 मिनट जी। मैं चेक कर लेती हूँ साइड से, ये बिल्कुल सही है। देखें आप इनको बिरयानी में मैंने आपको बताया था कि आप वो फेंटा लगा लेती हूँ मैं, बड़ी गर्म है। ये देखें जी अभी डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ जी। तो हमारा मज़ेदार सा मुर्ग पुलाव तैयार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये भी चेक करें कि बिल्कुल निखरे निखरे से दाने हैं, अलहदा अलहदा। एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें बिल्कुल एक एक चावल है
तो आप ज़रूर इसी रेसिपी के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, 1 किलो चावलों के लिए आप तैयार कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी रोज़ाना आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा कमेंट्स में मैंने बार बार मैं बता रही हूँ कि मैं कमेंट्स में आप मुझे कोई भी फरमाइश करेंगे तो आपकी फरमाइश पे आपके नाम से वो डिश में आपके लिए आपका जो है मैसेज वो मेंशन करके तो आपका नाम लेके वो डिश बनाऊंगी। इसके अलावा वैसे भी मेरी आज की जो डिश है ये मेरे सारे व्यूअर्स के नाम है। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।